नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु अपवित्र पवित्र सर्वावस्थान आप सोचिए कि 70 साल में पहली बार एक विमेंस मैनिफेस्टो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने निकाला है। इसका मतलब है कि पहली बार और इसको करने के बाद एक्चुअली ऑलरेडी परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि अब इग्नोर नहीं कर पा रही है दूसरी पार्टी। अब मोदी जी रैली कर रहे हैं महिलाओं की पहली बार, अब अखिलेश जी भी कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, RLD ने घोषणाएं की हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनको समझ में आ रहा है कि अगर महिलाएं समझ जाएं कि ये कितनी बड़ी शक्ति है उनमें, इकट्ठी हो जाएं, तो इनका ये सब चलेगा भी नहीं। एक है जो लगता है कि अगर आ जाएगा तो गुंडा राज हो जाएगा, तो रियली वी हैव गॉट दिस टाइम ऑप्शन एज यू एज अ चीफ मिनिस्टर फेस टू बी वेरी फ्रैंक एंड वी विल बी लकी इफ वी यू अचीव दिस पोजीशन। मैम बहुत धन्यवाद, आप प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे बीच में बैठी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ड्रीम है कि आपको एज अ चीफ मिनिस्टर देखूं। हम सिंपली ये बात कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में जो चुनाव के समय इलेक्शन के समय बात होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। कोई विकास की बात हो नहीं रही है, कोई ये नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, और सबको मालूम है कि उसी से बेनिफिट करें, उससे बेनिफिट कौन हो रहा है आप बताइए। पब्लिक बेनिफिट कभी नहीं कर सकती, उससे बेनिफिट सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि विकास की बात करो, महिलाओं की बात करो, जॉब्स की बात करो। सबसे ज्यादा आप 80% वर्सेस 20% कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि जब वो प्रतिशत निकालो ना जो जॉबलेस यूथ है वो मोर देन 80% होंगे, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही? वो परसेंटेज बताओ ना कि आप शिक्षा पे अपने बजट में से कितना परसेंट आप खर्च रहे हो, आप स्वास्थ्य में कोरोना के टाइम में कितना परसेंट खर्च रहे हो, ये प्रतिशत आप कभी नहीं सुनेंगे। तो ये माहौल ठीक करना जो है इसकी जिम्मेदारी एक्चुअली पब्लिक। जिस स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था है आज, उस स्थिति को ठीक करने के लिए अगर हम पूरी तरह से छोटी इंडस्ट्रीज को, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे। ये जो सरकार की पॉलिसी है कि इनके दो मित्र हैं और इन्हीं दो मित्रों को सब कुछ सौंप रहे हैं, ये चाहे हमारे हवाई अड्डे हैं, चाहे हमारे पूरा देश इन्हीं को सौंपा जा रहा है, पूरा देश इनको सौंपा जा रहा है। और आप जैसे जो एक्चुअली देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, वो आप जैसे बिजनेसेस हैं। एक्चुअली जो भी जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सब यही कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को मजबूत बनाने में ही इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल मैडम, सही कहा आपने। और उस पर कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। यही पॉलिसी है कि आपके 5-10 गिने चुने मित्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। Yellow jacket.